इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शेयर को एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे के डीमैट अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें चार्जेस क्या लगते हैं। तो इसको डिटेल में इस पार्टिकुलर वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि करेंटली जो हमारा नेशनल डिपॉजिटरी होता है इंडिया में, वो दो टाइप का है, NSDL और CDSL। जब NSDL से, अब देखिए ये दो टाइप का डिपॉजिटरी है, तो जो आपका ब्रोकर है, कुछ ब्रोकर NSDL से लिंक होते हैं, कुछ CDSL से लिंक होते हैं। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका ब्रोकर NSDL वाला है या CDSL से लिंक है, ठीक है, किससे लिंक है। उसके बाद आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि जिस ब्रोकर के पास आप शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस डीमैट अकाउंट, वो डीमैट अकाउंट, वो ब्रोकर जो है किससे कनेक्टेड है, NSDL से या फिर CDSL से। जब NSDL से NSDL और CDSL से CDSL में अगर शेयर को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको इंट्रा डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र बोला जाता है। और अगर आप NSDL से CDSL या फिर CDSL से NSDL में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र बोला जाता है। तो आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि आपका ब्रोकर NSDL से कनेक्टेड है और CDSL से कनेक्टेड है, और जिसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका भी पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफ़र करने का दो उपाय है, पहला मैनुअली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो मैनुअल ट्रांसफ़र करने का जो मेथड ये है कि आप अपने ब्रोकर के पास कॉन्टैक्ट कीजिएगा और ब्रोकर से आपको डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप DIS आपको प्राप्त करना पड़ेगा, जिसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड होते हैं जिसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें फॉर एग्जांपल बेनिफिशियरी ओनर आईडी, जिसको BOID भी बोलते हैं, उसमें 16 डिजिट आईडी होता है ब्रोकर का, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर एक शेयर का, ठीक है, हर एक शेयर का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN। तो वो जब भी मैंडेटरी फील्ड फिलअप कर रहे हैं तो उसमें इन सारे शेयर के जो यूनिक डिटेल होते हैं, यूनिक नंबर होते हैं, लाइक इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN, उसे भी वहाँ पे डालना पड़ेगा ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफ़र, जिसमें आपको इंट्रा डिपॉजिटरी और इंटर डिपॉजिटरी मैंने बताया, ठीक है, इंट्रा डिपॉजिटरी में आपको ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये मैनुअल प्रोसेस हो गया जो कि थोड़ा टफ है। नाउ अब हम आते हैं ऑनलाइन प्रोसेस। तो ऑनलाइन प्रोसेस में CDSL का एक फीचर है ऑनलाइन प्रोसेस में, जिसको बोलते हैं EASIEST, जिसके थ्रू आप शेयर को एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए इसके ऑफिशियल साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा EASIEST, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और डिटेल को फिलअप करेंगे। उसके बाद उसको प्रिंट आउट करके अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP, जिसको ब्रोकर भी बोलते हैं, ब्रोकर को आप सबमिट करेंगे। उसके बाद ब्रोकर फर्दर सेंड करेगा सेंट्रल डिपॉजिटरी को, और वहाँ पे वेरीफाई होगा। डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, जिसमें कुछ टाइम लग सकता है, उससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना ब्रोकर के लिस्ट को देखेंगे और अपने शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे। ये ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू इस प्रकार से ट्रांसफ़र करेंगे। मेरा माने तो इन सारे झंझट से बचने के लिए आप डायरेक्टली सेल करके और बाई कर सकते हैं। सेल करेंगे तो उसका जो फंड क्रेडिट होगा आपके डीमैट अकाउंट में, वो दो दिनों तक होल्ड में रहता है। दो दिनों के बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र करने में एक दिन और टाइम लगता है, तो टोटल 3 दिन टाइम लगेगा आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। इस तरह से आप पैसा को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर उस पैसे से दूसरे से डीमैट अकाउंट में जिसमें आप शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ पर बाई कर ले। ये बेस्ट प्रोसेस मुझे लगता है, अदरवाइज़ आप इस प्रोसेस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि टैक्स का क्या किया जाए, जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसका क्या होगा अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो, ठीक है, उससे वो तो समझेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि क्या आपका डीमैट अकाउंट से किसी
दूसरे के डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो जी हाँ, प्रोसेस सेम है। आप अपने मान लीजिए कि आपने दो ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो किसी में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अपने ब्रोकर अपने किसी दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी दूसरे के भी डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है चार्जेस, कितना चार्जेस लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो चार्जेस लगेगा वो डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर। ट्रांसफ़र चार्जेस हर ब्रोकर का अलग अलग होता है, तो बेटर यही होगा कि आप जो भी ब्रोकर का डीमेट अकाउंट यूज कर रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको बता पाएंगे कि कितना चार्जेस लग रहा है, कितना ट्रांसफ़र चार्जेस लगता है। उसका ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये समझ गए। नाउ अगला ये होता है कि टैक्स इम्प्लीकेशन व्हेन ट्रांसफरिंग शेयर फ्रॉम वन डीमेट अकाउंट टू द अनदर। तो इस केस में, ठीक है, शेयर को ट्रांसफ़र टू द डिफरेंट डीमेट अकाउंट ऑफ द सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट पर्सन, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर टू द सेम पर्सन देयर विल बी नो एडेड टैक्स लायबिलिटी। अगर किसी दूसरे अगर सेम पर्सन के डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगने वाला है। द कैपिटल गेन टैक्स विल बी काउंटेड फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ परचेस ऑफ द स्टॉक। जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो इनिशियल जब आपने परचेस किया था स्टॉक वहाँ से काउंट किया जाएगा, ना कि ट्रांसफ़र डेट से। ओके, अगर किसी दूसरे के अकाउंट में डीमेट अकाउंट में किसी भी शेयर को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा उसका रीजन। और आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, उस केस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। गिफ्ट भी कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक। ओके, और जो भी टैक्स लगेगा वो ओरिजिनल जो परचेस हुआ था, जिस डेट को परचेस हुआ था स्टॉक, उसी डेट का जो है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। जब टैक्स लगेगा तो जिस डेट को आपने परचेस किया था, ना कि जब आपने ट्रांसफ़र किया था। तो ये रहा टैक्स, ठीक है। अगर आप एक अकाउंट से एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अधिक जानकारी के लिए worldgyan.com मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं सारा डिटेल। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया हुआ होगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का नॉलेज अगर चाहिए तो आप WorldGyan चैनल को, बेहतरीन चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, इंट्रिंजिक वैल्यू और बहुत कुछ यहाँ पे बताया जाता है डिटेल में। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।